अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ स्मार्ट रियल इस्टेट लाहौर। मियाँ राशिद बोल रहा हूँ। 03024444556 मेरा नंबर है। मैं इस वक्त DHA फेज़ 9Q ब्लॉक में हूँ, जो बहुत जल्द उसका पोजेशन मिलने वाला है। ट्रांसफार्मर्स कंप्लीट हैं, DPs कंप्लीट हैं, स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं, स्ट्रीट बोर्ड लग चुके हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि R और Q को एज सुन एज DHA पोजेशन देने जा रहा है। DHA ने कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इन दो ब्लॉक्स के अंदर हैं, और उम्मीद है कि इसका पोजेशन DHA एक दो माह में दे देगा। लेकिन ऑफिशियली जैसे अनाउंस होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। और इसका आज हम डिटेल विज़िट करते हैं। यहाँ पे एक किनाल और पाँच मरला के प्लॉट्स हैं। पाँच मरला बहुत थोड़े हैं क्यू ब्लॉक में, एक किनाल के ज़्यादा हैं। 2,20,00,000 से लेके 3,15,00,000 रुपए की रेंज में आपको प्लॉट्स मिलेंगे। इससे पहले कि हम विज़िट स्टार्ट करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको नई अपडेट्स और रेट्स मिलते रहें। ये बिल्कुल सामने ये DHA फेज़ 9 प्रिज्म है, DHA टाउन, शोहदा टाउन, वहाँ पे घर बने हुए हैं। इसके बिल्कुल साथ जो है वो अस्करी 11 है। ये मेन रोड कनेक्ट करेगा आगे बेदियाँ रोड से, अंडरपास से, DHA फेज़ 6 से, और बाकी ये एरिया जो है वो पीछे आर ब्लॉक को कनेक्ट करता है। मेरे साथ रहेगा, इसका हम डिटेल विज़िट करते हैं। ये DHA फेज़ 9 प्रिज्म का जो पहला राउंड अबाउट है, जो डिवाइड करता है ए ब्लॉक को क्यू ब्लॉक को, मैं उसके ऊपर हूँ। हम अब क्यू ब्लॉक की इंटरनल स्ट्रीट्स का आपको मैं विज़िट कराता हूँ। ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट है आर और क्यू में। सुनने में ये आ रहा है कि पोजीशन शायद दिसंबर में ही दे दिया जाए। यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि शायद फंक्शन जो है वो 15 दिसंबर के सराउंडिंग में हमें यहाँ पे पोजीशन की जो सेरेमनी है वो शायद कर दी जाए। लेकिन देखें, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक जो है वो बिल्कुल रेडी हैं पोजीशन के लिए। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही आप राउंड अबाउट से एंटर होते हैं और आपकी लेफ्ट साइड पे ये जो एरिया है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सड़कें हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, बिल्कुल कंप्लीट हैं। DHA फेज 9 क्यू ब्लॉक, यहाँ पे आपको 2,20,00,000 रुपए से लेके तकरीबन 3,15,00,000 रुपए की रेंज में एक किनाल का प्लॉट मिलेगा। और ये इसका मेन बुलेवार्ड है जो कनेक्ट करता है आर ब्लॉक के साथ, और आर ब्लॉक जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसका भी हमने डिटेल विजिट किया, और ये थीम पार्क वाली साइड पे मैं इस वक्त ट्रेवल कर रहा हूँ, ताकि आपको इसका आइडिया हो सके। यही मेन रोड स्ट्रेट आप अगर जाते हैं सामने, तो आपको राइट साइड पे पांच मरला प्लॉट्स भी मिलेंगे क्यू ब्लॉक में। बहुत थोड़े से प्लॉट्स हैं, और पांच मरला यहाँ पे 90,00,000 से लेके तकरीबन 1,15,00,000 रुपए की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, आपको यहाँ पे मिलती हैं। और दिसंबर के अंदर बड़े कवी चांसेस हैं कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म आर और क्यू ब्लॉक का पोजीशन हो जाएगा। लेकिन चूंकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, तो जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता हम आपको कुछ कह नहीं सकते। अगर यही टाइम है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं आफ्टर पोजीशन, यहाँ पे मज़ीद 10 से 15,00,000 रुपए का आपको पाँच मरला में फ़र्क नज़र आएगा, और एक किनाल में तकरीबन 25-1,00,000 रुपए का मज़ीद फ़र्क आपको नज़र आएगा आफ्टर पोजीशन। क्योंकि पोजीशन के बाद मैं समझता हूँ कि इसके फौरी घर यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आबादी का फ्लो DHA 9 टाउन का है, बिल्कुल इसके साथ है, और इस एरिए में जैसे ही घर बनना शुरू होंगे, इनके रेट्स जो हैं वो सॉलिड इंक्रीज़ करेंगे, DHA फेज़ 7 जैसे इंक्रीज़ कर रहा है। पुराने फेजेज़ में भी बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि DHA पे जो प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस लगे हैं शायद इसकी वजह से नीचे आ जाए, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। टैक्सेस भी सुनने में आ रहा है कि जो इम्पोज हुए थे वो दोबारा रिवाइज हो रहे हैं, और मार्केट फिर स्टेबल अगर हो जाती है तो ये स्टेडली अगले 5 से 10 साल अगर जो प्रॉपर काम होना है, जिसमें कंस्ट्रक्शन होनी है, वो DHA फेज़ 9 है, ये बेस्ट और बहुत बड़ा फेज़ है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं घर बनाने के लिए, और बेहतरीन ऑप्शन है। ये आप देख सकते हैं सामने क्यू ब्लॉक को ज्वाइन कर रहा है आर ब्लॉक, और आर ब्लॉक के अंदर 5, 10 मरला और 1 किनाल का हमने डिटेल विजिट किया था। इस साइड पे ये आप देख सकते हैं तमाम रोड्स जो हैं वो कनेक्ट हो चुकी हैं, और लाइट का भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रीट लाइट, DP और ट्रांसफार्मर्स वगैरह। ये मेन बुलेवार्ड है जो स्ट्रेट आगे क्यू ब्लॉक इसको दोनों साइड पे डिवाइड करता है।
ये मेरी जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स की भी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और इस साइड पे डीएचए टाउन वाली साइड पे जो क्यू ब्लॉक की बाउंड्री कनेक्ट करती है, ये वो एरिया है। और ये जो आप पानी देख रहे हैं या जो डीप एरिया है, ये वाला एरिया जो डीएचए फेज 9 प्रिज्म क्यू ब्लॉक में थीम पार्क के लिए जो है वो मुख्तस है। तो अभी डीएचए के अंदर जो सिचुएशन है, डीएचए फेज 9 के अंदर जो सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं। बहुत उम्मीद है कि दिसंबर के अंदर इसका पोजेशन हो जाएगा। दिसंबर के अंदर ही जो इसकी बिजली की प्रॉपर सप्लाई है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। जो यहाँ पे वर्कर्स लगे हुए हैं उन्होंने जो बताया है, मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। और ये मेरी जो आप लेफ्ट साइड पे एरिया देख रहे हैं, ये भी क्यू ब्लॉक है, और क्यू ब्लॉक पी ब्लॉक के साथ जो कनेक्ट करता है, ये वो एरिया है। स्ट्रीट लाइट्स के साथ स्ट्रीट बोर्ड भी यहाँ पे लग चुके हैं, और ये सिचुएशन आपके सामने है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म पी ब्लॉक की ये सिचुएशन आपके सामने है, और उम्मीद है कि यहाँ पे जैसे ही पोजेशन मिलेगा, यहाँ पे 20 से 25 लाख रुपए का आपको फ़ायदा हो सकता है, और आप यहाँ पे घर बना सकते हैं। ये डीएचए टाउन की बाउंड्री के साथ जो एरिया है, ये इंतहाई प्राइम है, ग्राउंड लेवल है, तक 3 करोड़ माइनस प्लस में यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है, और आप लेके इसको फौरी घर बना सकते हैं। और आबादी का फ्लो देखें आप, बिल्कुल सामने अस्करी और डीएचए 9 टाउन। ये मेरी राइट साइड पे क्यू ब्लॉक का एरिया है जो हुडियारा ड्रेन तक कनेक्ट करता है, और पी ब्लॉक जोन 1 वाली साइड, और ये डिवाइड करता है ए और क्यू ब्लॉक। ये क्यू ब्लॉक का आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं, और इस साइड पे ये इसकी डेवलपमेंट आपके सामने है। स्ट्रीट बोर्ड लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रोड्स कंप्लीट हैं, ग्राउंड लेवल प्लॉट्स हैं, पोजेशन अन करीब है। दिसंबर में बड़े सॉलिड चांसेस हैं, दिसंबर 15 के माइनस प्लस में आपको इसका पोजेशन डीएचए प्रॉपर अनाउंस कर देगा या सेरेमनी करेगा, जो भी मामला है। तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी ये है कि अब मेन ब्लू वार्ड के ऊपर डीएचए ने कुछ पौधे भी लगाए हैं, नीचे ग्रीन एरिया भी नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। काफ़ी अरसे से 4 साल से डस्ट के अंदर ही वीडियोज़ बना रहे थे, लेकिन अब थोड़ा नीट एंड क्लीन सर्दियों में चमकदार धूप में डीएचए फेज 9 प्रिज्म को इस हालत में देखते हुए अच्छा फील हो रहा है। और अगर पोजेशन आ गया और घर बनना शुरू हो गए तो मज़ीद अच्छा लगेगा। तो ये कंप्लीट विज़िट था क्यू ब्लॉक डीएचए फेज 9 का। तो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट 3 मंथ के बाद या पोजेशन के बाद आपको ये वाले ब्लॉक्स दोबारा अपडेट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।